एचसीओ का जो ये पूरा का पूरा जो शंघाई सहयोग संगठन है उसकी 25% जीडीपी दुनिया की मानी जाती है, और जून में ही 2017 में भारत इसका सदस्य बना है। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग बढ़ाना इसका लक्ष्य है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। उमा, यहां पर हमने विदेश मंत्री को सुना, आतंकवाद रोकना एचसीओ का मकसद और सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र किया। क्या क्या अहम बातें अपने स्टेटमेंट में इस वक्त कही है विदेश मंत्री ने? जी देखिए, विदेश मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में सबसे पहले कोविड संकट का जिक्र करते हुए ये कहा कि इस संकट ने ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित किया, जिसकी वजह से चाहे वो खाना हो, एनर्जी हो या खाद्य या फर्टिलाइजर हो, उस सप्लाई चेन में दिक्कत आई है। और इतना ही नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी नाकाबिलियत भी इसको लेकर सामने आई है। जाहिर सी बात है कि भारत हमेशा से यूएन में सुधार का पक्षधर रहा है, इस बात को अलग अलग फोरम से कहता रहा है, और इसी मद्देनजर विदेश मंत्री ने यहाँ इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर सवाल उठा है। दूसरी अहम बात जो उन्होंने की है वो आतंकवाद की है। कई बातें उन्होंने कही है, और इसमें जैसा कि आपने भी बताया कि इन्होंने कहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके समेत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और जो आतंकवाद का जो कहर है वो जारी है बिना पाकिस्तान का नाम लिए, क्योंकि इस फोरम से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाएगा। ये पहले ही हमें बता दिया गया था कि कोई कंट्री स्पेसिफिक जो आतंकवाद की जो चर्चा है वो नहीं होगी, और भारत क्योंकि मेजबान कंट्री है तो उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जब उन्होंने बात की तो जाहिर सी बात है कि इशारा किस देश की तरफ है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आतंकवाद से लड़ना एचसीओ का जो मकसद है, जो शुरुआती मकसद है, उसमें से एक है और ये काफी अहम मकसद है। जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को लेकर कोई एजेंडा तो तय नहीं था, लेकिन कोई भी कंट्री अपने नेशनल स्पीच में इस बात को रख सकता था, और भारत ने वो काम किया है। भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर, वहां के हालात को लेकर हमारी निगाह है, और वहां अभी जो प्राथमिक जरूरत है वो है मानवीय आधार से मदद पहुंचाने की, और महिलाओं और बच्चों के जो अधिकार हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने की। तो इन तमाम बातों के जरिए अपने शुरुआती संबोधन में एक एजेंडा सेट करने की भारत के विदेश मंत्री ने कोशिश की है, और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 15 मुद्दों पर फैसले होने हैं, 15 अहम फैसले इस बैठक में लिए जाने हैं, जो कि आधार बनेगा 3 और 4 जुलाई को जो एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक होगी उसके लिए प्रियम्बल का काम करेगा, और उसके आधार पे वहां पर अंतिम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत, और अब जो कार्यवाही चल रही है वो क्लोज डोर है, और इसलिए अभी जो शुरुआती संबोधन हुआ विदेश मंत्री का उसे वो तो सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं वो गोपनीय तरीके से होंगी। हाँ, इसके कुछ जो अंश है वो बाद में निकलकर सामने आएंगे, लेकिन आखिरी बात ये कि कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट या आउटकम डॉक्यूमेंट जो है वो जारी नहीं होगा। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो तमाम बातें कही हैं विस्तार से आपने बताई। उन्होंने साफ तौर पर, विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ना एचसीओ शंघाई सहयोग संगठन का बड़ा मकसद है, आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंक की फंडिंग पर लगाम लगे, आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, और अफगानिस्तान के हालात का भी जिक्र किया उन्होंने, और कहा कि यहाँ पर जो हालात है उस पर हमारी नजर है।